हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टेली होम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम टेली ईआरपी 9 सॉफ्टवेयर अकाउंट एवं जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल एवं प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो गाइस, आज के हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि फॉर्म 16 और 16A क्या होते हैं और कैसे डाउनलोड करे जाते हैं। बिल्कुल लाइव आपके सामने करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है। साथ में ये भी समझेंगे कि फॉर्म 16 और फॉर्म 16A क्या होता है और बिल्कुल लाइव हम इसको सीखेंगे डाउनलोड करना और कैसे अप्लाई करते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो हो सकता है आपके लिए, बहुत ही सिंपल ट्रिक के साथ सीखेंगे। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि TDS के ऊपर ही हमारा 9th वीडियो है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि TDS क्या होता है, कैसे करता है, कैसे रिटर्न फाइल की जाती है, किस तरीके से टैली के अंदर इसकी फीडिंग होती है। और बहुत ही जल्दी आपको इस पूरे कोर्स की एक वीडियो सेपरेट मिल जाएगी, जिसके अंदर 1 से लेकर 9 तक जो वीडियो हैं उनको क्लब करके आपको दिया जाएगा और आप बिल्कुल आसानी से उसको सीख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं फॉर्म 16 और 16A क्या होता है, किस तरीके से अप्लाई किया जाता है और किस तरीके से डाउनलोड किया जाता है। तो गाइस, सबसे पहले समझते हैं कि फॉर्म 16 और फॉर्म 16A क्या होता है। तो ये एक तरीके का सर्टिफिकेट है। फॉर्म 16 एंड 16A इज़ द सर्टिफिकेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। जो भी आपने टैक्स को डिडक्ट किया है, किसके बिहाफ पे? एम्प्लॉई या डिडक्टी के बिहाफ पे, ये उसका एक सर्टिफिकेट है। जो कौन देगा? डिडक्टर देगा। किसको देगा? डिडक्टी को देगा। ऑलरेडी ये सारे जो वर्ड मैं डिडक्टर डिडक्टी यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी पिछली वीडियो में। आपको प्लेलिस्ट के अंदर अलग से एक फ्री TDS कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट के अंदर एक प्लेलिस्ट मिलेगी, आप उस पर जाकर क्लिक करके सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। सो फॉर्म 16 और 16 ने क्या हुआ? TDS सर्टिफिकेट हुआ, ठीक है। कौन देगा? डिडक्टर या एम्प्लॉयर, बोल लो। फॉर्म 16 वाले केस में एम्प्लॉयर, फॉर्म 16A वाले केस में डिडक्टर देगा। किसको देगा? फॉर्म 16 वाले केस में एम्प्लॉय को देगा, फॉर्म 16A वाले केस में डिडक्टी को देगा। तो समझ लेते हैं फॉर्म 16 और फॉर्म 16A होता क्या है। फॉर्म 16 क्या होता है? TDS ऑन सैलरी, मतलब कौन सा सर्टिफिकेट है ये, जो सैलरी के ऊपर जो TDS डिडक्ट किया जाएगा। तो एम्प्लॉयर आपको क्या देगा? फॉर्म 16 देगा, जो कि ईयरली बेस पे दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? ईयरली बेस पे। डेट इसकी 31 मई होती है, जो कि आगे पीछे हो सकती है। इस बार आगे पीछे हो गई है कोरोना के चलते हुए, अदरवाइज आपका जैसे क्वार्टर खत्म होता है उसके बाद आपको 31 मई तक अपने डिडक्टी को आप दे सकते हैं। सेकंड फॉर्म 16A, फॉर्म 16A किस लिए होता है? TDS ऑन नॉन सैलरी पेमेंट, मतलब सैलरी के अलावा जितने पेमेंट हैं वो किस में आएंगे? फॉर्म 16A में। ये कब दिया जाता है? ये क्वार्टरली दिया जाता है। जैसे ही आप अपनी हर क्वार्टर की रिटर्न को फाइल कर लेंगे, आप 15 डेज के बाद अपने डिडक्टी को ये फॉर्म इशू कर सकते हैं। कैसे इशू करेंगे वो अभी हम सीखेंगे। फॉर्म 16B क्या होता है? TDS ऑन सैलरी ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के ऊपर अगर TDS डिडक्ट किया गया है तो आपको डिडक्टर क्या देगा? फॉर्म 16B। और फॉर्म 16C TDS ऑन रेंट आपको एम्प्लॉयर सॉरी डिडक्टर आपको देगा अगर उसने TDS ऑन रेंट डिडक्ट किया है। सो ये सारे सेक्शन हैं, ये सारे फॉर्म 16 हैं, ये सारे फॉर्म सर्टिफिकेट्स हैं, जो कि डिडक्टर या एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय या डिडक्टी को देता है। तो चलिए और कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। और मैं ऑलरेडी एक एग्जांपल आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पर थोड़ा सा एक्सप्लेन हम यहाँ पे भी कर लेते हैं, जिससे कि पूरी पिक्चर आपकी क्लियर हो जाए। सो यहाँ पर एक सर्विस प्रोवाइडर है जो कि सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइंड लेके, ये क्या है कि अगर हम इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके शुरुआत करेंगे तो बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर मैं सीधा आपको डाउनलोड करने ले आऊँगा तो जो नए भाई बंदे हैं उनको समझ में नहीं आएगी, पुरानों को तो बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी, वो तो खिलाड़ी आदमी है, ठीक है। तो एक गौरव प्लेसमेंट है जिसने क्या करा, सर्विस प्रोवाइड कराई। किसको प्रोवाइड कराई? सिंगन कंपनी को प्रोवाइड कराई। ये रहे सिंगन कंपनी वाले भाई साहब, ठीक है, और ये रहे गौरव प्लेसमेंट। इन्होंने सर्विस प्रोवाइड कराई। किसको कराई? सिंगन कंपनी को। तो ये क्या हो गया? डिडक्टर हो गया। ये TDS को डिडक्ट करेगा क्योंकि ये सर्विस दे रहा है, और ये हो गया डिडक्टी जिसका कि TDS कट रहा है, ठीक है। तो हुआ क्या, गौरव प्लेसमेंट ने 64,900 रुपये का इन्वॉइस दिया। किसको दिया? सिंगन कंपनी को दिया। सिंगन कंपनी में क्या करा भैया, उसको 64,350 रुपये दे दिए। क्यों दे दिए? उसने उसका TDS काट दिया। ये सारा कुछ मैं डिफाइन कर चुका हूँ, थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। ये मत पूछना 1% क्यों काटा, 2% क्यों काटा, पिछली वीडियो जाके आप देख लो, सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो उसने TDS उसका काट दिया 55,000 रुपये के ऊपर 1%। TDS हमेशा किस पे कटता है? टैक्सेबल वैल्यू पे। ये रही टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू पे उसने क्या करा, 55,000 के ऊपर 1% काट दिया 550 रुपये। मतलब 55,000 माइनस 550 इज इक्वल टू मत करो उसमें, 55,000 माइनस 550 प्लस 9900 कर लो, तो आपका कितना बन जाएगा? 64,350 रुपये बन जाएगा। इनवॉइस कितने का था? 64,900 रुपये का। तो 55,000 का 55,000 का 1% हो गया आपका 550 रुपये, जो कि क्या करा भैया, डिडक्टर ने, सिंगन कंपनी ने डिडक्ट कर दिया। किसका? गौरव प्लेसमेंट का। अब ये 550 रुपये कहाँ गए?
तो 550 रुपए कहां गए, इस चीज का सर्टिफिकेट डिडक्टर जो कि सिंगन कंपनी है वो किसको देगा, गौरव प्लेसमेंट को देगा। क्या देगा, फॉर्म 16A देगा, क्योंकि ये सैलरी वाला केस नहीं है, तो ये उसको टीडीएस सर्टिफिकेट देगा। टीडीएस सर्टिफिकेट देने का मतलब यह है कि उसने सही खाते में सही रकम को जमा कराए, जो कि गौरव एंड गौरव प्लेसमेंट के 26AS में रिफ्लेक्ट होगा। जब उसकी टैक्स की इनकम टैक्स की लायबिलिटी बनेगी तो वो उसमें से इस टीडीएस के पैसे को डिडक्ट कर देगा और रेस्ट ऑफ अमाउंट को जमा कर देगा। टीडीएस, इनकम टैक्स और एडवांस टैक्स का क्या कनेक्शन होता है आपस में, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो देंगे। छोटा सा यहाँ पे मैं आपको संक्षिप्त में ब्रीफ में आपको समझा रहा हूँ कि सिंगन कंपनी जो टीडीएस को डिडक्ट करेगा वो उस पैन कार्ड के बिहाफ पे जमा करेगा, इसके लिए वो एक सर्टिफिकेट देगा जिसको हम फॉर्म 16A बोलेंगे। गौरव प्लेसमेंट जब अपनी रिटर्न को फाइल करेगा, इनकम टैक्स रिटर्न को, तो वो जो टीडीएस का पैसा जो जमा हुआ है वो उसके फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट होगा। जब वो रिफ्लेक्ट होगा तो जो उसकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी होगी उसको लेस करने के बाद वो इनकम टैक्स को जमा कर देगा। तो ये पूरी कहानी है टीडीएस की, और टीडीएस सर्टिफिकेट क्या है और फॉर्म 26AS क्या है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। इस आज की वीडियो हम डाउनलोड करना सीखने वाले हैं, फॉर्म 16 को कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो इसका पूरा प्रोसेस क्या है ये समझ लो, यहाँ पे सारे मैंने स्टेप लिख दिए हैं। स्टेप वन क्या है, बड़े स्पीड में हम इसको समझ लेते हैं। हमें कहाँ जाना पड़ेगा, ट्रेसेस की वेबसाइट में जाना पड़ेगा, tdscpc.co.in पे जाना पड़ेगा, .gov.in पे जाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए होता है। अच्छा, फॉर्म 16A कौन देगा, डिडक्टर देगा, किसको देगा, डिडक्टी को देगा या अपने एम्प्लॉय को देगा। तो निकालेगा भी कौन, ट्रेसेस के ऊपर कौन जाएगा, डिडक्टर ही जाएगा, डिडक्टी नहीं जाएगा, इस चीज़ को आप समझ लें, ठीक है। उसके बाद वो स्टेप थ्री पे आएगा, फॉर्म 16 डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आएगा, डाउनलोड टैब हमें वहाँ पे मिलेगा, उसके बाद वो उसको डाउनलोड कर लेगा। स्टेप फोर जो है, डिडक्टर कैन रिक्वेस्ट फॉर्म 16 थ्रू सर्च पैन नंबर, अगर उसे सिंगल पैन नंबर का देना है तो पैन नंबर लिख के देगा, अगर उसे बल्क करना है तो बल्क पैन वाले ऑप्शन पे जाएगा। स्टेप फोर के अंदर क्या होगा, ऑथराइज पर्सन की डिटेल आ जाएगी उसके सामने। स्टेप सिक्स के अंदर क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर को हमें चूज करना पड़ेगा और कॉरेस्पॉन्डेंट डिटेल हमें जो है वो फिल करनी पड़ेगी। स्टेप सेवन के अंदर क्या होगा, रिक्वेस्ट में जाके हमें रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, अगर सबमिट होगा तो सबमिटेड, अवेलेबल होगा तो अवेलेबल, पहले हम अप्लाई करेंगे तो वो सबमिट हो जाएगा, उसके एक दिन बाद या 48 घंटे बाद वो हमें अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद हम रिक्वेस्ट डाउनलोड में जाके उसको स्टेटस को चेक कर सकते हैं और डाउनलोड कर लेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं थोड़ा सा स्पीड में बता रहा हूँ, अभी हम लाइव करेंगे तो सारी कहानी समझ में आ जाएगी। नाइन्थ स्टेप हमारा क्या होगा, हम उसको डाउनलोड कर देंगे, HTTP डाउनलोड ऑप्शन हमें मिलेगा वहाँ से जाके, और हम इसको डाउनलोड करेंगे। देन उसके बाद हम यूटिलिटी को डाउनलोड कर लेंगे और अपने फॉर्म 16 को ओपन कर लेंगे, जो कि PDF फॉर्मेट में ओपन होगा। तो ये सारी कहानी है। चलिए अब हम चलते हैं गूगल देवता के ऊपर और वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं और सारी कहानी को वन बाय वन समझते हैं। तो चलिए फटाफट से हम इसकी शुरुआत कर लेते हैं आगे की कहानी की। चलिए गाइस, सो सबसे पहले हम आएंगे गूगल देवता के ऊपर। गूगल देवता पे हमने लिखना है ट्रेसेस लॉगिन, एंटर प्रेस करो, ये आपके सामने वेबसाइट जो है ओपन हो गई। इसमें हम एंटर जो है क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कॉलम आ रहा है, यूजर आईडी जो कि आपको बनाने पड़ेगी, पासवर्ड और 10 नंबर ऑफ डिडक्टर ये आपको अपने पास रखना पड़ेगा। हम ये सारी डिटेल को फिल कर लेते हैं। और यहाँ पर हम डाल देंगे 10 नंबर, यहाँ पर हम डाल देंगे कैप्चा एंड इसको कर देंगे लॉगिन। जो कि लॉगिन नहीं हुआ है, एरर आ गया कुछ, कोई बात नहीं, दोबारा से होम पे आएंगे एंड लॉगिन पे आएंगे, अगेन डालेंगे यहाँ पर इसके आस पासवर्ड, देन 10 नंबर, देन कैप्चा, लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद देखिए हमें यहाँ पर मिलेगा डाउनलोड का ऑप्शन। फॉर्म 16 और 16A को डाउनलोड करने का ऑप्शन सेम ही है, दोनों को एक ही तरीके से डाउनलोड कराता है, कोई अंतर नहीं है दोनों को डाउनलोड करने में, सारा कुछ प्रोसेस सेम है। सो हम फॉर्म 16 को यहाँ पर डाउनलोड करना आपको सिखाएंगे, 16A भी आप अपने आप सीख जाओगे, डिट्टो वही फॉर्मेट है। तो यहाँ पर देखो डाउनलोड में आने के बाद हमें मिलेगा फॉर्म 16A और रिक्वेस्ट डाउनलोड का। तो सबसे पहले हम करेंगे जो हमें फॉर्म डाउनलोड करना है उसके ऊपर क्लिक, हम कर रहे हैं यहाँ पर फॉर्म 16 के ऊपर क्लिक। फॉर्म 16 के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगे दो ऑप्शन, एक है पेन वाइज अगर आपको सिंगल डाउनलोड करना है, और एक है बल्क, अगर बल्क डाउनलोड करना है तो फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करके बल्क कर दो, अगर सिंगल पेन के लिए करना है तो आप यहाँ पे सिंगल पेन कर सकते हो। हम आपको सिंगल पेन करके दिखाएंगे, फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं,
हम यहाँ पर फाइनेंशियल 18-19 का कर रहे हैं, 19-20 की अभी क्वार्टर फोर्थ की रिटर्न नहीं गई है कुछ लोगों की, पर मेरे को डेमो देना है तो मैं आपको यहाँ पर 18-19 का जो है वो डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमने 18-19 लिखा, यहाँ पर हम डालेंगे पैन नंबर। सो पैन नंबर के लिए मेरे पे ऑलरेडी एक फाइल है, तो ये हमने ले लिया पैन नंबर, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और ये हमने कर दिया यहाँ पर पेस्ट, और इसको कर देंगे हम ऐड। जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे नीचे बॉक्स है, इसके अंदर ये पैन नंबर आपका आ जाएगा, अगर एरर होगा तो ये नहीं आएगा। इसके बाद हम इसको कर देंगे गो। गो करने के बाद जो ऑथराइज की जो डिटेल है, जो भी ऑथराइज पर्सन है उसकी डिटेल आ जाएगी यहाँ पर। इसके बाद हम कर देंगे इसको सबमिट। सबमिट करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलेगा ऑथेंटिकेशन कोड, सबसे पहले आपको मिलेगा ऑथेंटिकेशन कोड, जहाँ पर आपको कुछ नहीं डालना है, और हमें आना है क्वार्टर फोर्थ के, जो कि हमने रिटर्न फाइल की होगी क्वार्टर फोर्थ की, उसका हमें RRN नंबर, रिसीप्ट नंबर हमने यहाँ पर डालना है। तो वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर ओपन कर लिया, और ये रहा इसका रसीद नंबर, RRR या टोकन नंबर आप इसको बोल सकते हैं, रिसीप्ट नंबर बोल सकते हैं। हमने इसको कंट्रोल सी करा यहाँ से, एंड देन यहाँ पर आके हमने इसको कर दिया कंट्रोल वी। ओके ठीक है, इसके बाद हम आएंगे नीचे, और यहाँ पर हमें पार्ट वन के अंदर चलान की डिटेल भरनी होगी, पार्ट टू के अंदर हमने भरना होगा पैन नंबर। पार्ट वन के अंदर हमने क्या भरनी है, चलान की डिटेल, पार्ट टू के हमने अंदर भरना है पैन नंबर। किसी भी चलान की आप डिटेल भर सकते हो, जो कि इस जिस पीरियड का आप फॉर्म सेक्शन डाउनलोड कर रहे हो उसके लिए रेलिवेंट होना चाहिए। तो हम यहाँ पर BSR कोड डालेंगे सबसे पहले, ये रही मेरे पास ये शीट, BSR कोड है यहाँ पर, आई थिंक उल्टा हो गया है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्योंकि मुझे डाउट है, BSR कोड इसका ये नहीं था, पर फिर भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। ओके ये है BSR कोड एंड ये है चालान नंबर, ठीक है। हम BSR कोड यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल सी करा, वेबसाइट के ऊपर आया, BSR कोड हमने यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। डेट है देखिए हमारी यहाँ पे 6 अप्रैल, तो हम इसी फॉर्मेट में डालेंगे, डेट का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर दिया हुआ है, मंथ देन अल्फाबेटिकली आप सॉरी पहले डेट फिर देन अल्फाबेटिकली आप मंथ डालोगे फिर ईयर, ठीक है। तो हम डाल लेते हैं यहाँ पर 06 अप्रैल और 2019। चालान नंबर हम यहाँ पर फिल करेंगे, चालान नंबर है हमारा यहाँ पर 03899, तो 03899। चालान अमाउंट हम यहाँ से देख लेते हैं 2709। एक बार मैं आपको जूम कर देता हूँ, देखिए हमने सारी डिटेल को यहाँ पर फिल कर दिया, डिटेल हमने सारी यहाँ पर जो है वो फिल कर दिया, यहाँ पर हमने चालान की डिटेल फिल की है। अब इस चालान के अंदर जो हमने जिस पैन कार्ड के बिहाफ पे हमने टैक्स जमा कराया वो हम नीचे पार्ट टू के अंदर फिल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपका ये यहाँ पे हमें बेसिकली तीन के लिए हमें पूछता है, तीन पेन का कॉम्बिनेशन, अगर आपका एक है तो आप एक को करके यहाँ पर प्रोसीड कर सकते हो। मेरे पे ऑलरेडी तीन है तो मैं तीनों नाम ले लेता हूँ, पहला हमारा पैन कार्ड ये रहा, कंट्रोल सी करा देन कंट्रोल वी कर दिया इसको। टोटल अमाउंट इस पैन कार्ड पर, अब हमें टोटल चलान की अमाउंट नहीं डालनी है, इस चीज़ को आप समझ लें, थोड़ा सा यहीं पर कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चा। यहाँ पर हमने क्या करना है, चलान की अमाउंट नहीं डालनी है, यहाँ पर हमने इस पैन के बिहाफ पे जो टैक्स जमा करा है पर्टिकुलर इस चालान के अंदर 2709 में, जो इसका हिस्सा है इस पैन का वो हम यहाँ पर जो है फिल करेंगे। तो यहाँ पर इस पैन का जो हिस्सा है वो है 633 रुपये, तो 633 हम कर देंगे। पैन टू के अंदर आते हैं, अब इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। इसका जो अमाउंट है वो है हमारा 1383, तो 1383 कर दिया। तीसरा पेन भी हमारे पास, अगर आपके पास एक या दो पेन है तो आप एक या दो पेन करके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं फर्दर, कंट्रोल वी करा, और इसका अमाउंट है हमारे पास 693 रुपये, 693, ठीक है। एक बार फिर जूम कर देता हूँ, ये हमने सारी फिल, ये 2709 पेन तीनों को आप जोड़ोगे इन तीनों फिगर को तो 2709 बनेगी। पार्ट वन के अंदर हमने क्या करना है, पार्ट वन में चालान की डिटेल, पार्ट टू में डिडक्टी की डिटेल, ठीक है। तो पार्ट टू के अंदर हमने यहाँ पे डिडक्टी की डिटेल दे दी कि 2709 में इन पर्टिकुलर इन पेन का कितना कितना हिस्सा है। इसके बाद हम इसको कर देंगे प्रोसीड। प्रोसीड कर दोगे अगर आपका सब कुछ ठीक ठाक होगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका जो है ये कोड यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। आप कोड को कॉपी कर सकते हो, अगर आपकी विंडो यहाँ से एकदम से आउट हो जाए तो आप इसको कॉपी कर लो, नेक्स्ट टाइम आप वहाँ पे ऑथेंटिकेशन कोड में कोड डालोगे तो आपको सीधा फर्दर कर लोगे, अदरवाइज नीचे प्रोसीड विद ट्रांजेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। हमने कंटिन्यू कर दिया, कंटिन्यू करने के बाद देखिए यहाँ पर डाउनलोड रिक्वेस्ट कन्फर्मेशन हो गई है, ये सीरियल डाउनलोड रिक्वेस्ट नंबर वगैरह सब आ गया है,
जो कि फर्दर आपको सर्च करने के काम आएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर अगेन डाउनलोड के अंदर आएंगे, यहाँ पर रिक्वेस्ट डाउनलोड का अब हमें ऑप्शन मिलेगा, जो हमने अप्लाई की अपनी रिक्वेस्ट, हम इसको यहाँ पर आकर देख सकते हैं रिक्वेस्टेड डाउनलोड के अंदर। इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम और हम देखते हैं कि आज हमने जो रिक्वेस्ट डाउनलोड जो अप्लाई की है उसके लिए हम यहाँ पर देख देते हैं। यहाँ पर आप डेट वाइज, रिक्वेस्ट नंबर वाइज, रिक्वेस्ट नंबर वहाँ आ गया था, या फिर आप व्यू ऑल करके भी सारे देख सकते हैं। मैं आपको डेट के हिसाब से दिखाता हूँ जो हमने आज अप्लाई करा है। फॉर्मेट रहेगा नीचे, देखिए फॉर्मेट दिया हुआ है यहाँ पे किस तरीके से हमें डेट को सर्च करना है। हम इसको कर देंगे गो। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे भी रिक्वेस्ट कर दी है और स्टेटस आ रहा है सबमिट। जब ये अवेलेबल होगा तभी हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं, होपफुली एक दिन के अंदर ये आ जाता है अगर हमारी डिटेल सब कुछ ठीक होती है। यहाँ पर हमने 24Q के लिए अप्लाई करा है, फॉर्म 16 इसको बोलेंगे, क्वार्टर फोर्थ फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी पहले अप्लाई कर चुका हूँ क्योंकि अगर मैं लाइव करता तो वो आपके सामने अभी सबमिट में रहता। अब हम व्यू ऑल के ऊपर आ जाते हैं, व्यू ऑल के अंदर मैं आके देखता हूँ तो मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ। रिसेंटली जो मैंने अप्लाई करा है वो देखिए अभी आपके सामने जो करा है 25 जुलाई वाला वो ये रहा। तो मैं ऑलरेडी जो पहले अप्लाई कर चुका हूँ उनका स्टेटस यहाँ पर देख सकते हैं आप, अवेलेबल है, अवेलेबल के अंदर आ रहा है। तो मैं आपको अवेलेबल में वाले में ये एक डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो डाउनलोड करने के लिए हमें जिसको भी डाउनलोड करना है, जो भी अवेलेबल आ जाएगा, जो नॉट अवेलेबल होगा उसके सामने रिमार्क के अंदर रिमार्क आ जाएगा। हमारा ये फॉर्म 24Q अवेलेबल है जो कि मैंने 22 जुलाई को करा था, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए, क्वार्टर फोर्थ 24Q फॉर्म 16। और देखिए मैंने फॉर्म 16A के लिए भी अप्लाई करा है, फाइनेंशियल ईयर 19-20 क्वार्टर थर्ड, ठीक है। तो जो अवेलेबल है उसके आगे लिखा आ जाएगा अवेलेबल, जो सबमिटेड होगा सबमिटेड, जो नॉट अवेलेबल होगा नॉट अवेलेबल, और जो फेल्ड होगा उसके आगे लिखा आएगा फेल्ड। तो डाउनलोड करने के लिए हमें यहाँ पर एक बार क्लिक करना होगा जिसके ऊपर भी, देन नीचे ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे कि आपका हाथ बना आ जाएगा, यहाँ पर आके आप इसको कंट्रोल के साथ इसको प्रेस कर लोगे HTTP डाउनलोड के ऊपर। जैसे आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास जिप फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। नीचे यहाँ पर जिप फाइल जो है वो देखिए डाउनलोड हो गई है, ठीक है। जिप फाइल डाउनलोड होने के बाद आप उसको डाउनलोड करके देख लोगे उसको। उसके बाद हमें आना है रिक्वेस्ट के अंदर अगेन, और फिर रिक्वेस्टेड डाउनलोड के अंदर हमने क्लिक कर देना है। जो जिप फाइल जो हमारी डाउनलोड होगी उसको ओपन करने के लिए हमें PDF कन्वर्टर यूटिलिटी चाहिए होगी, जो कि आपको रिक्वेस्टेड डाउनलोड के अंदर आने के बाद द्वारा से यहाँ पर मिल जाएगी, क्लिक हेयर टू डाउनलोड दी यूटिलिटी। तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यूटिलिटी भी जो है आपकी डाउनलोड होना चालू हो जाएगी। इससे पहले आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डालना होगा, कैप्चा कोड डालने के बाद इसको आपने करना होगा सबमिट। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा कौन सी यूटिलिटी आप डाउनलोड करना चाहते हो। फॉर्म 16 और 16A के पार्ट 1 के लिए यूटिलिटी सेम है, फॉर्म 16B के लिए पार्ट 2 के लिए यूटिलिटी अलग है, और आगे और भी यूटिलिटीज़ दी हुई हैं। हमने पहली यूटिलिटी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यूटिलिटी के ऊपर क्लिक करोगे तो नीचे आपका देखिए डाउनलोड होने लग जाएगी, ये मेरी यूटिलिटी यहाँ पर डाउनलोड हो रही है। सो मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। डाउनलोड करने के बाद मैंने इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लिया है। डेस्कटॉप पर हम चलते हैं। इस यूटिलिटी को ओपन करने के लिए आपके पास जो है वो जावा डाउनलोड होना चाहिए। यूटिलिटी के ऊपर हम चलते हैं। ये देखिए यूटिलिटी हमारी इस तरीके से यहाँ पर जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक कर लेता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एग्जीक्यूटिवल जार फाइल मिलेगी जिसको के ऊपर आपने क्लिक करना है। ऊपर रन वाले के ऊपर आपने क्लिक नहीं करना है। इसको रन करने के लिए आपके पास जावा होना जरूरी है। सो हम इसके ऊपर डबल क्लिक कर लेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हमारे पास ये यूटिलिटी जो है वो इस तरीके से ओपन हो जाएगी। इसको ओपन होने के बाद जो मैंने जिप फाइल जो डाउनलोड की थी उसको हमें जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट नहीं करना है। तो उस जिप फाइल को मैं यहाँ पर ओपन कर लूँगा, ब्राउज करूँगा। जो फॉर्म 16 हमने जो डाउनलोड किया था उसकी जिप फाइल मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर ली है। डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद देखिए यहाँ पर दिख रही है ये रहा, और ये थी यूटिलिटी। यूटिलिटी भी मेरे पास यहाँ पर डाउनलोड हो रही है, अभी आपके सामने करा है। यूटिलिटी को हम ओपन कर लेंगे और ये रहा फॉर्म 16 जो डाउनलोड करा था। तो फॉर्म 16 के ऊपर हम इसको एज इट इज सेलेक्ट कर लेंगे, अनजिप नहीं करेंगे, और इसको हम कर लेंगे ओके। ओके करने के बाद यहाँ पर हमने डालना है पासवर्ड। पासवर्ड आपका जो होगा वो होगा आपका 10 नंबर। पासवर्ड आपका क्या होगा लिख के बताया तो मैं आपको अगेन, पासवर्ड है आपका 10 नंबर इन कैपिटल लेटर्स, ठीक है। ओके जी, 10 नंबर डाल देते हैं यहाँ पर।
देन यहाँ पे पूछेगा डिजिटल सिग्नेचर के लिए आप इसको मैंडेटरी नहीं है, विदाउट डिजिटल सिग्नेचर भी कंटिन्यू कर सकते हो। हम इसको प्रोसीड का बटन नीचे जो है उस पर आकर हम इसको प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद ये ऑप्शन आ गया आपके पास, डू यू वांट टू कंटिन्यू विदाउट डिजिटल सिग्नेचर, हम इसको यस कर देंगे। यस करने के बाद स्टार्टिंग पीडीएफ जनरेशन हो जाएगी और हम इसको कर देंगे ओके। और वन पीडीएफ ऑलरेडी जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। तो जहाँ पर मैंने सेव टू फोल्डर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करा था डेस्कटॉप में, वहीं पर डेस्कटॉप पर चलता हूँ और फॉर्म 16A को हम चेक कर लेते हैं। तो हम डेस्कटॉप पर आते हैं। डेस्कटॉप पे आने के बाद देखिए मेरे पास जो है फॉर्म 16 यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। देखना होगा कहाँ गया, ये रहा। जिस पेन के बिहाफ पे हमने, जिस पेन नंबर के लिए हमने डाउनलोड किया था वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक कर लूँगा ओपन करने के लिए। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा गया फॉर्म 16 पार्ट ए, जिस पैन कार्ड के लिए हमने अप्लाई किया था और जो कंपनी का नाम है, जो डायरेक्टर है या एम्प्लॉयर है उसका नाम यहाँ पर आ गया। इसको आप नीचे करते हुए कंटिन्यू कर देंगे तो आप ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप सारी डिटेल को यहाँ पर चेक कर सकते हो। और ये फॉर्म 16 जो है आप अपने एम्प्लॉय को दे सकते हो, जो डिडक्शन का जो पैसा है जो पूरे साल में जो हमने डिडक्ट करा है 16,596 रुपये। लास्ट वाले चलान की डिटेल मैंने देखो आपको दिखाई थी 1383 रुपये, वही इसके खाते में रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये सारी डिटेल हमारे पास एक्सेल में थी, मैं आपको एक बार दोबारा दिखाना चाहूँगा। देखिए इस वाले पेन के लिए हमने करा था, उसकी अमाउंट ये रही 1383 रुपये, BSR कोड, चलान नंबर ये रहा और यही फॉर्म 16 के ऊपर जो है आपको प्रिंट करा हुआ मिल रहा है। देखिए 6/4/2019 का ये रहा चलान सीरियल नंबर। तो इस तरीके से जो भी हम पैसे को डिडक्ट करते हैं, चाहे वो एम्प्लॉई हो चाहे वो डिडक्टी हो, उसका पैसा फॉर्म 16 में रिफ्लेक्ट होगा एम्प्लॉई वाले केस में, एम्प्लॉयर वाले केस एम्प्लॉई वाले केस में फॉर्म 16, और फॉर्म 16A डिडक्टी वाले केस में अगर वो आपके यहाँ पे एम्प्लॉई नहीं है तो फॉर्म 16A सारा पैसा उसके फॉर्म 16A और फॉर्म 16 में रिफ्लेक्ट होगा, जो कि डायरेक्टली उसके फॉर्म 26AS में पहुंच जाएगा। सो गाइस इस तरीके से हम फॉर्म 16 को डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने एम्प्लॉय या डिडक्टी को ये दे सकते हो। ये था पूरा वीडियो। इस वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन करने के लिए आपको जाना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर पर जाकर, वहां पर आपने सर्च करना है @tally_home_institute, आपके पास चैनल आ जाएगा, झोपड़ी बनी हुई आ जाएगी, होम बना हुआ आ जाएगा और आप वहाँ पर उसको जो है ज्वाइन के बटन पर प्रेस करके आपको ये सारा PDF वहाँ पर मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।